गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं तुलसीराम शर्मा आपके अपने कंप्यूटर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आने वाली हर एग्जाम में आपको सहायता करेंगे। राजस्थान पुलिस, पटवारी, रीट, जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, वो सब में आपकी सहायता करेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज अपनी। पहला क्वेश्चन, SMS का अर्थ क्या होता है? SMS शॉर्ट का तो होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, कोबोल क्या है? कोबोल ये एक कंप्यूटर की भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर थ्री, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? यहाँ तात्पर्य का अर्थ उसकी फुल फॉर्म से होता है। ALU का फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर चार, कंप्यूटर के प्रयोग में आने वाली IC चिप किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? सिलिकन और जर्मेनियम की बनी होती है, इसका आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर फाइव, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU को। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि निम्न में से अलग पहचान है, मतलब इसमें से कौन सी चीज अलग है? भंडारण टेप स्मृति, चुंबकीय टेप स्मृति या ऑप्टिकल डिस्क स्मृति, या इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा सी, ऑप्टिकल डिस्क स्मृति। द्विघात संख्या किस पर आधारित होता है? द्विघात का मतलब होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, किस पे आधारित होता है? दो पे, इसका होता है 0 और 1। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आंसर ए हुआ, ए, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका आविष्कार हुआ था? इसका आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब का, और दूसरी चीज वॉल्व का। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गया और थर्ड जनरेशन में IC आ गई। क्वेश्चन नंबर 10, CPU का पूरा नाम क्या होता है? CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अलावा CU और होता है, CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 11, क्लास ए का IP एड्रेस सबनेट मास्क क्या होता है? सब नेट मास्क क्या होता है? इसका आंसर होगा बी, 255.0.0.0। क्लास एड्रेस चार भागों में बटा होता है। HTTP का पोर्ट क्या होता है? HTTP पोर्ट होता है 80। IP एड्रेस किन दो भागों से मिलकर बना होता है? IP एड्रेस दो भागों में मिलकर बना होता है, होस्ट नेटवर्क, होस्ट और नेटवर्क। ISDN का पूरा नाम क्या होता है? ISDN का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस नेटवर्क, इसका आंसर हो जाएगा बी ब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर आएगा फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज करते हैं ब्रॉडकास्ट के लिए। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट शेड्यूलिंग में क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है उसमें क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फेयर शेयर शेड्यूलिंग होती है, इसमें जो पहली वैल्यू आती है वो पहले जाती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब पेज को जरूरत होती है तो मेमोरी में लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर अपना कोई काम कर रहे हैं, अगर अपन को जरूरत पड़ी किसी पेज को लेने की, तो उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिमांड पेजिंग, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, बैंकर एल्गोरिथम का इसमें से क्या इस्तेमाल है? बैंकर एल्गोरिथम क्या इस्तेमाल करने के लिए की जाती है, मतलब क्या यूज होता है बैंकर का? इसका आंसर हो जाएगा डेड लॉक को पहचानने के लिए की जाती है, मतलब अपने कोई प्रोसेस है जाने से पहले डेड लॉक होगी उसको पहचानने के लिए बैंकर एल्गोरिथम काम ली जाएगी, कि आगे जाके कंडीशन चेक होती है कि वो ट्रू या फॉल्स है, लेकिन उससे पहले ही वो डेड हो जाती है तो उसको पहचानने काम ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है क्या कहलाता है? कोई प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूट होता है वो कहलाता है प्रोसेस, मतलब प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोसेस काम प्रोसेस में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, MS-DOS की प्राइमरी मेमोरी को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, सी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।